सलोनी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी हमारे एब्सेंस में? कुछ ढूंढ रही थी जी? मैं तो आप पर झूठ सलोनी जी, फिर डोंट माइंड, आपको ये शोभा बिल्कुल नहीं देता। आप जो हम पर शक कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं और हमारे एब्सेंस में आप इस कमरे की तलाशी ले रही हैं, दैट्स नॉट फाइन विद मी। जी, आप पर यहाँ नहीं, बाहर चलिए। बाहर चलकर खुलकर सबके सामने कहिए कि हम पर इस शक की वजह क्या है। टेंडर परसों खुलने वाला है, मैंने शर्मा जी से बात कर ली। आपने फाइल तो चेक कर लिया? जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि सलोनी जी के दिल में आखिर हमारे लिए है क्या। अगर इन्हें इस घर में हमारा रहना पसंद नहीं है तो साफ साफ बता दें, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बात क्या है? सुबह सुबह सलोनी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना कुछ कह रही हैं? नाहर बन्ना, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आप अपनी पत्नी से ही पूछेंगे तो बेहतर होगा। पूछ लीजिए इनसे, ऐसा क्या है हमारे कबर्ड में जो ये ढूंढ रही थी। सलोनी, उर्वशी जी सही कह रही है? जी, ये सही कह रही है। मैं इनके कबर्ड में तलाशी ले रही थी। इनकी कबर्ड में तुम क्या तलाश कर रही थी? मैंने रुकमा को इनके कबर्ड में कुछ छुपाते हुए देखा था। कुछ ऐसा जो मुझे लगा कि ठीक नहीं है। ऐसा कुछ क्या? चलो मेरे साथ। नहीं नार बनना, बात यहीं इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन सच्चा और कौन झूठा। हम चाहते हैं कि सारे घर वालों के सामने हमारे कमरे की तलाशी ली जाए, और अगर हमारे सामान में से एक भी चीज गलत सलत निकली तो ये हमारा प्रॉमिस है, हम किसी के भी कहने का इंतजार नहीं करेंगे, किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, हम चुपचाप उसी पल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आप सब लोग हमारे रूम में चलिए प्लीज। देखिए, अब बात तो आगे मत बढ़ाइए। बात तो आगे बढ़ चुकी है ना, और अब इस बात का खत्म होना बहुत जरूरी है। उर्वशी जी के कमरे की तलाशी होगी, और वो भी सबके सामने। प्लीज आइए सब लोग, आइए प्लीज। देख लीजिए ब्रजेश जी, आप सब देख लीजिए, शायद कहीं कुछ छुपा रखा हो हमने इस कबर्ड में। ये देखिए, देखिए, देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए, देख लीजिए, कहीं कुछ रखा तो नहीं हमने। बहुत कुछ सहा है हमने, बहुत दुख देखे, लेकिन इतना अपमान कभी नहीं सहा हमने। हम जब इस घर में आए थे तो अपनी बहन की आंखों में हमने एक अरमान देखा था, एक सपना देखा था, और हमने अपनी जिंदगी उसके उस सपने के नाम कर दी थी। हमने तो सोचा था कि हम उसकी झोली में उसका सपना डालकर चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये 9 महीने एक एक दिन हमें इस तरह आंसुओं के साथ बिताने पड़ेंगे। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, इसे आप सब अच्छी तरह से सुन लें और समझ भी लें। आज तक मैंने और इस घर के सारे सदस्यों ने उर्वशी जी को तारा की बड़ी बहन के रूप में देखा है, लेकिन आज के बाद आप सबको अपना नजरिया बदलना होगा। कारण चाहे एक औलाद का अरमान क्यों ना हो,
मैंने उर्वशी जी के साथ सास वो सारी रस्में निभाई हैं जो इन्हें मेरी पत्नी का दर्जा दे दिया। आज आप सब ये बात अच्छी तरह से जान लें कि उर्वशी जी की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि वो तारा की बड़ी बहन, बल्कि इनकी पहचान ये भी है कि ये मेरी पत्नी है। जो मेरे और उर्वशी जी के रिश्ते की कदर नहीं करेगा उसके साथ मेरा भी कोई रिश्ता नहीं होगा। उर्वशी इस घर में अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूं। इनका अपमान मेरा अपमान होगा। इनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें कि मेरे मना करने के बावजूद तुम तारा भाभी साहब जीजी के मामले में टांग अड़ा? भाई साहब ने छाती ठोक कर जीजी को अपनी पत्नी मान लिया है, क्यों चाहती हो तुम कि फिर कोई बखेड़ा खड़ा हो और भाभी साहब को तुम्हें कुछ बोलने का मौका मिले? तुम्हें क्या मिला ये सब करके? उंगली तुम पर ही उठी ना, कुछ नहीं मिला जीजी के सामान से। तो तुम क्या कहना चाहते हो नाहर, कि सलोनी को शौक है बखेड़ा खड़ा करने का? भाई साहब को बिना किसी सबूत के इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। कैसे आंखें मूंद लूं आप ही बताइए, कैसे कहूं अपने आप से झूठ कि मैंने रुक्मा को उस अलमारी में कुछ रखते नहीं देखा था? कैसे समझाऊं अपने आप को कि रुक्मा पब्लिक फोन पर बात नहीं कर रही थी? कैसे भूल जाऊं कि ये उस भाभी के जीवन का सवाल है जो मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है? मुझे पूरा विश्वास है कि भाभी साहब को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। आप ही देखिए भाभी साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सवाल मेरे देखने या ना देखने का नहीं है, सुनो, देखना भाई साहब को भी चाहिए। और अब जब वो अंधे हो गए तो तुम चाह कर भी उन्हें कुछ नहीं दिखा पाओगी। माना तुम जो कह रही हो जो कर रही हो वो सही है, लेकिन लेकिन फिक्र उन्हें भी तो होनी चाहिए ना। फिक्र तो तब होती है ना नाहर, जब खतरा सामने दिख रहा हो। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि भाभी साहब के साथ इस घर में क्या हो रहा है। इस घर में सिर्फ आपकी पत्नी बनकर नहीं आई हूं मैं, इस घर की बहू भी हूं। घर की खुशियों के साथ साथ हर इंसान की सलामती की रक्षा करना मेरा धर्म है ना। बस बस लो, भूल जाओ अपना धर्म। धर्म निभाने का ठेका क्या तुमने अपने लेकर रखा है? यहां तुम अपना धर्म निभाती रहोगी और वो लोग तुम्हारा अपमान करते रहेंगे, और मैं ये सब नहीं दे सकता। और अगर बात धर्म की हो रही है तो तुम्हारा पति होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूं। इसलिए आज के बाद तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं करोगी। तारा अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। वैसे मैंने घड़ी में अलार्म डाल दिया, उर्वशी जी को बुला लेना, उन्हें मालूम है कि कौन सी दवा कौन से वक्त पर लेनी है। तारा क्या सोच रही हो? आज आप घर पे नहीं रह सकते, बहुत अकेला बहुत खाली खाली सा फील कर रही। तारा कोई और दिन होता ना तो मैं सोच भी लेता, लेकिन आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऑफिस से जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। उर्वशी जी के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, मन हल्का हो जाएगा। मैं जाऊँ? Thank you.
डर गई, प्लास्टिक स्पाइडर से डर गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा है, उसे मत जलाइए प्लीज। ईशान को हाथ लगाने की, भाई साह क्या बात है सलोनी? रुक्मा की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, हमें इस बारे में भाई साह से बात करनी ही होगी। लेकिन हुआ क्या है सलोनी? ईशान ने एक छोटी सी शरारत की रुक्मा के साथ। रुक्मा ने ना सिर्फ इसका खिलौना चलाया बल्कि इतनी सख्ती से इसका हाथ पकड़ा कि बच्चे के हाथ पर निशान पड़ गए। गलती रुक्मा की नहीं है, गलती तो ईशान की है। कितनी बार समझाया है तुम्हें ईशान, दूसरों को परेशान मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना। अब जाओ अपने कमरे में जाओ। शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ईशान की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने खुद देखा कि किस तरह उसने उस तुम्हारे या मेरे देखने से क्या होता है सलोनी? किसको विश्वास है हम पर? रुक्मा जीजी की लाई हुई है और जीजी के फैसले के खिलाफ भाईसा के सामने उंगली उठाने का क्या मतलब है जानती हो तुम? भूल गई भाईसा ने जीजी के लिए क्या कहा था? तो क्या चुपचाप यूं ही सब सहते रहेंगे? और चारा भी क्या है हमारे पास? अब तो अपमानित होने की आदत सी हो गई है। तुम खुश नसीब हो सलोनी, जो तुम्हें नाहर जैसा पति मिला। तुम उसके भरोसे आवाज उठा सकती हो, फैसले ले सकती हो, सहन न होने पर घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन मेरा पति, वो तो खुद दूसरों के सहारे जी रहा है, मुझे क्या सहारा देगा? ये आप क्या कह रही है भाई साहब? आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो ईशान किसके सहारे जिएगा? आप तो हर गम से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन उसका क्या होगा? ईशान को ये तो देख देख कर जी रही हो सलोनी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जीजी और तारा के मामलों में मत पड़ो, सिवाय अपमानित होने के और कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। हम भाई साहब को जीजी से शादी करने से नहीं रोक पाए तो आप क्या कर लेंगे? रोकना तो होगा ही भाई साहब, मुझे भाभी साहब से इस बारे में बात करनी होगी। ये सब क्या है सरोनी? इस घर के कुछ नियम हैं, संस्कार है, कायदे कानून है, सब कुछ भुलाकर घर की नौकरानी पर हाथ उठाकर अपने साथ इस घर की इज्जत घटा दी तुमने। भाभी साहब ये सच नहीं है। रुक्मा, मैंने कब तुम पर हाथ उठाया? बस करो सलोनी, थक गई हूँ मैं तुम्हारी इन हरकतों से। हर वो इंसान जो मेरी मदद करना चाहता है तुम्हारा दुश्मन क्यों बन जाता है सलोनी? हो सकता है इसे कोई गलती हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर हाथ उठा। भाभी साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है सलोनी फिर? जाने दीजिए भाभी साहब, मेरे कुछ भी कहने का अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझ पर आपका विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास को बनने और बिगड़ने में बहुत वक्त लगता है सलोनी। तुम पर मेरा विश्वास एक दिन में खत्म नहीं हुआ है सलोनी,
तुम्हारे बारे में अपने विचार बदलने से पहले बहुत कुछ देखा है मैंने। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना छोड़ दो सलोनी। मुझे लगता है कि कंपनी के मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हम लोगों को मीटिंग में हूँ। अरे जानता हूँ ब्रजेश भाई साहब कि आप बोर्ड मीटिंग में, लेकिन अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं आपको फोन नहीं करता। क्या बात है जी? उर्वशी जी जो है अपना सामान पैक कर रही हैं, ये घर छोड़कर जा रही हैं। क्या क्यों जी? कारण ही तो नहीं बता रही हैं वो, और तारा जी सो रही हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब की मदद कैसे रोकूं। दीर्घा मैं अभी आ रहा हूँ, आप किसी भी तरह से उर्वशी जी को तब तक रोकने की कोशिश कीजिए। जी भाई साहब मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी जरा जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ओके। लगी है आग दोनों तरफ बराबर, ना इधर बुझे ना उधर थमे। उर्वशी मेरी पत्नी है। कमाल है भाई, यहाँ खुलेआम दो दो प्रेम कहानियां चल रही, और हमारी नजर जरा सी भी उधर उधर हुई नहीं कि हर चुन्नू मुन्नू हम पे उंगली उठाने लगता। ऐसे ब्रजेश भाई साहब ऐसे हैं आपके, पता नहीं हमारे ऐसे दिन कब आएंगे। वही का समय हो गया, पकड़। और सा? जी भाई साहब कहाँ है उर्वशी जी? जी अपने कमरे में। ऐसे भैया ऐसे। उर्वशी जी ये क्या कर रही हैं आप, क्यों जा रही हैं आप? उर्वशी जी हमें लगता है कि इंसान को वहीं रहना चाहिए जहाँ चार लोग उसे पसंद करते हो, उनकी इज्जत करते हो। डोंट माइंड, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को भी इस घर में हमारा रहना पसंद है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं उर्वशी जी? मैं हूं ना यहाँ, और फिर तारा भी तो चाहती है कि आप इसी घर में रहें। एक्चुअली ब्रजेश जी काफी कहीं तो सहारा है हमें। सच पूछिए तो बहुत अरसे बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे अस्तित्व को नए मायने दे दिए। जब आपने सबके सामने ये साबित कर दिया कि आपको हमारी कितनी परवाह है। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, आज पहली बार हमें ऐसा लगा कि इतने बड़े घर में हम अकेले नहीं हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं उर्वशी जी? प्लीज जी मत कहिए ब्रजेश जी। आज सुबह हमें बहुत अच्छा लगा था जब आपने हमें सिर्फ उर्वशी कहकर बुलाया था। जी कहते हैं तो लगता है जैसे हम बहुत पराए हैं। छोटा ही सही, लेकिन जब सबके सामने आपने हमें पत्नी का दर्जा दिया है तो प्लीज हमसे बात भी वैसे ही करें। प्लीज आप हमें उर्वशी कहकर ही बुलाएं। अरे आप अकेली नहीं है, चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। उर्वशी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना?